सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश का जो 68.9% जो है वो प्रेजेंट टेंस है, और 68.9% में से जो 57.6% है स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस का, तो उसका जो 57.6% है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मौजूद है। जैसा कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, हारिस राइड हॉर्सेस, अहमद ड्रिंक्स 2 कप्स ऑफ कॉफी एवरी डे। तो ये जो हमारा डेली रूटीन में जो हमारी गुफ्तगू होती है या हमारी गपशप किसी के साथ भी होती है, ऑलमोस्ट वो हमारी किस टेंस में होती है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वो जो गुफ्तगू होती है वो मौजूद होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें मिलके हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसकी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं। अगर मैं इसमें देखूं ही गोज टू स्कूल, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, गोज टू ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आ गया, गोज गो से गोज, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्कूल आ गया। इसी तरीके से हारिस राइड हॉर्सेस, इसमें हारिस जो है वो सब्जेक्ट है, राइड जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड हॉर्सेस जो है वो ऑब्जेक्ट है। अहमद ड्रिंक्स 2 कप्स ऑफ कॉफी एवरी डे, तो इसमें भी आप इसकी स्ट्रेंथ सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो चीजें समझने वाली हैं कि डू डज और ये किस तरीके से यूज होगा, इसमें आपके पास है आई वी दे यू, जहां पे भी आपके पास सब्जेक्ट आएंगे तो वहां पे आपके लिए डू आएगा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में है, और ही शी इट के साथ डज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी वाले वो किस तरीके से आएंगे, आई है उसके साथ एम यूज होगा, वी दे यू के साथ आर यूज होगा, ही शी इट के साथ इज यूज होगा। स्ट्रॉन्गली इसको याद करने वाली चीज जो है वो ये चीज है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, व्हेन द मेन वर्ब इज प्रीसीडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब, डू कैन मस्ट, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब या इसको आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, अगर तो आपका मेन वर्ब जो है इसके साथ आएगा, द मेन वर्ब रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो मेन वर्ब है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे शी वॉक्स है, अब शी वॉक्स जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर यहां पे शी कैन वॉक आ रहा है, अब शी कैन वॉक और शी वॉक्स, यहां पे शी के साथ वॉक जब आया है तो उसमें एस का इजाफा किया गया है, जबकि शी कैन वॉक जब आया है उसमें एस नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैन डू मच जो होते हैं ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैन डू और मस्ट के साथ आपकी जो बेस वर्ब है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही रहती है, इसमें एस या ईएस का कोई भी इजाफा नहीं किया जाता। He reads newspaper, और इसके बाद जब ही मस्ट रीड न्यूज़पेपर आया है तो उसमें जो रीड था वो रीड ही रहा है, रीड्स नहीं लिखा गया। इसके बाद रूल्स हैं डिफरेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, वो कौन कौन से रूल हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज फॉर जनरल स्टेटमेंट्स, हैबिट्स एंड फैक्ट्स। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो जस्ट जो जनरल हैबिट्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जैसा कि इसमें जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपकी सिचुएशन जो है ये हैबिट है, ये जो सन है उसने ईस्ट से ही राइज होना है, वो कभी वेस्ट से राइज नहीं होता। आई एम अ मैथ्स टीचर, मेरी एक इन जनरल स्टेटमेंट है कि ये मेरा एक प्रोफेशन है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। ये इस तरीके से नहीं हम कह सकते आई विल बी अ मैथ टीचर, आई वॉज अ मैथ टीचर, बट ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो है स्टिल अभी भी कंटिन्यू है ये, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एम अ मैथ्स टीचर। रूल नंबर 2 है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर स्केड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर। जो आपने फ्यूचर में इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल किए हैं, लेट्स सपोज किसी की शादी है, कोई आपका पार्टी है, कोई डिनर है, कोई आपकी इनविटेशन है, आपने कहीं जाना है, कोई सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल द ट्रेन अराइव्स एट 5 AM, जैसे ट्रेन है उसने 5 बजे आना है अपने स्टेशन पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द ट्रेन अराइव्स एट
5 AM, द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock. तो ये आपके स्केड्यूल्ड इवेंट्स जो होते या जो प्री प्लान किए हुए जो आपके इवेंट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है. रूल नंबर 3 है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन स्टोरी राइटिंग टू क्रिएट ड्रामास. ड्रामास को क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाता है. जैसे कि स्टोरी राइटिंग की जाती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, प्री प्रोडक्शन होती है, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, और फिर वो डिलीवर किया जाता है. तो इस सारे प्रोसेस में जो टेंस स्ट्रक्चर यूज की जाती है, उसके लिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाता है. जैसा कि अब इसमें भी एग्जांपल दी गई है, अहद वॉक्स अप बिहाइंड मी, आई वॉक इन टू द सैलॉन, कि ये आपका एक स्टोरी है, आपने प्लान किया हुआ है ये सारा, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो भी प्री प्लान होती है, आफ्टर दैट उस पे जो एक्शन किया जाता है. तो उसके लिए जो आपकी स्टोरी राइटिंग है, उसके लिए भी क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. इसमें सब्जेक्ट के बाद डू डज और नॉट यूज किया जाता है, मेन वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. मतलब सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डू किसके साथ यूज होता है हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, डज किसके साथ यूज होता है हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं. नॉट लगेगा फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज होगा. इसके एग्जाम्पल्स हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट स्विम, वी डू नॉट रिमेंबर हर. ये इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल्स हैं. उसके बाद जाएंगे फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन. ये WH क्या है, WH जो होते हैं इनको हम वर्ड ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं. अब वर्ड ऑफ क्वेश्चन में WH से क्या हो सकता है, वाई, वेन, वेयर, हु, होम, वट, हाउ. ये तमाम के तमाम अगर हमारे सेंटेंस में वर्ड्स आ जाएं तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ क्वेश्चंस. तो वो आपके सबसे पहले आएंगे, उसके बाद डू डज जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगा अगर वर्ड ऑफ क्वेश्चन नहीं है. अगर वर्ड ऑफ क्वेश्चन है तो वर्ड ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये, डज ही गो टू स्कूल, How do they swim? अब does he go to school में पहला जो sentence है उसमें does he go to school? तो ये आपकी do does वाली जो sentence है वो वाली question mark वाले sentence में example आ गई. उसके बाद है how do they swim? How do they swim? तो वो word of question वाली example आ गई. How do they swim? तो ये आपकी जो example है वो word of question वाले sentence की आ गई है जी. इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो जारी हो रहा हो, कोई काम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में. तो उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बेस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इज एम आर कैसे यूज होते हैं वो यहां पे आपको एक साइड टेबल में बताया है. आई के साथ एम यूज होता है, वी, दे, यू के साथ आर यूज होता है, ही, शी, इट के साथ इज यूज होता है. इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो आ जाएंगी, आई एम ईटिंग एप्पल्स, यू आर रीडिंग बुक. अब इसमें बेस वर्ब के साथ आईएनजी जो लगा हुआ है वो आपका कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है कि आपका कोई ना कोई जो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ या कंप्लीट नहीं हो गया. और इसकी एग्जांपल्स आपके पास ये दो दी गई हैं. इसमें जो कुछ रूल्स हैं वो रूल्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहला रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन तमाम सेंटेंसेस में यूज होता है जिसमें कोई भी एक्शन जो है वो चल रहा हो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त आपका कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, तो उस एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है यूज करते हैं. इसकी एग्जांपल जो है, यू आर रीडिंग ए नॉवल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा. रूल नंबर 2 है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस. कोई भी आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है, फॉर टाइम बीइंग है, थोड़े अरसे के लिए है,
आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस वक्त कोई टेम्परेरी सिचुएशन जो होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, माय ब्रदर लिव्स इन कराची, माय ब्रदर इज लिविंग इन कराची, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इन दो सेंटेंस में सिचुएशन का फर्क हो सकता है। अगर तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें कि माय ब्रदर लिव्स इन कराची, इसमें यह लिखा हुआ है कि मेरा भाई जो है वो परमानेंट कराची में रहता है, लेकिन अगर माय ब्रदर इज लिविंग इन कराची तो वो फॉर टाइम बीइंग आ जाएगा कि मेरा भाई जो है इस वक्त कराची में रह रहा है, रहता नहीं है, रह रहा है। इसका मतलब यह है कि फॉर टाइम बीइंग वो रह रहा है, तो उसके लिए सेकंड सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और जो फर्स्ट सेंटेंस जो आपका रेफरल सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के लिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रूल नंबर थ्री है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट अरेंजमेंट्स दैट आर स्केड्यूल्ड इन फ्यूचर। आपकी कुछ फ्यूचर में जो प्लानिंग्स हैं उसको आपने जो स्केड्यूल किया हुआ है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज होता है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, वी आर हैविंग डिनर एट रेस्टोरेंट टुनाइट। अब अगर आपने प्लान किया है कि आज रात को आप डिनर के लिए रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, तो उस प्लानिंग के लिए जो आपने स्केड्यूल कर लिया है उसके लिए कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। रूल नंबर फोर है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट वी कैन कंट्रोल। वो तमाम एक्शंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो सिचुएशंस हैं उनको। फॉर एग्जांपल, अली इज बीइंग केयरफुल, साबर इज बीइंग सिली, मतलब किसी के लिए फॉर टाइम बीइंग आप जो सिचुएशन या इमोशंस को यूज करके उसको आप किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, या आप किसी दूसरे की देखभाल करते हैं, या आप दूसरे के साथ कोई फॉर टाइम बीइंग कोई भी आप बिहेवियर क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें लिखा है जी, अली इज बीइंग केयरफुल, बीइंग नॉट इज, अली इज बीइंग केयरफुल, अली पहले केयरफुल नहीं था लेकिन फॉर टाइम बीइंग वो केयरफुल हो रहा है। साबर इज बीइंग सिली, साबर पहले सिली नहीं था लेकिन फॉर टाइम बीइंग वो सिली हो रहा है। तो आप एक्शंस को जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अब किसी की केयर करना, सिली होना, हैप्पी होना, सैड होना, वो बंदे के अपने इख्तियार में होता है या किसी भी पर्सन के अपने इख्तियार में, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं। रूल नंबर फाइव है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एनी अनोइंग हैबिट। अनोइंग हैबिट क्या हो सकती है कि आपकी जो मतलब किसी को डिस्टर्ब करने वाली, किसी को इरिटेट करने वाली जो हैबिट होती है वो तमाम के तमाम अनोइंग हैबिट्स होती हैं। अब अनोइंग हैबिट्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं जी, हामिद इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, हामिद जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर या ड्यूरिंग क्लास टाइम जो भी है वो बातें करता रहता है। अब ये जो हैबिट है ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास व्हाइल लेक्चर, तो वो जो हैबिट होती है वो अनोइंग है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ही हमजा इज ऑलवेज टीजिंग हर सिस्टर, हमजा एल्डर ब्रदर है और उसकी जो यंगर सिस्टर है उसको ऑलवेज वो टीज करता रहता है, टॉन्ट करता रहता है, तो ये अनोइंग हैबिट होती है किसी के लिए, उसको मुसलसल जो है इरिटेट करते रहना, कि मुसलसल उसको टीज करते रहना, टॉन्ट करते रहना, तो ये अनोइंग हैबिट है। तो उसके लिए हमजा इज ऑलवेज टीजिंग हर सिस्टर, तो ये आपकी अनोइंग हैबिट है जिसको वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए एक्सप्रेस कर रहा है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट एम इज आर के बाद नॉट लगता है, फिर बेस वर्ब है और आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट ईटिंग, ये आपका विदाउट ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस बन गया। यू आर नॉट रीडिंग, ही शी इट के साथ इज यूज होता है, तो ही शी इज नॉट स्विमिंग, ही इज नॉट स्विमिंग, शी इज नॉट स्विमिंग, तो उसके लिए ये इट जो है यहां पे यूज नहीं होगा, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो पहले लगेगा, सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। इसमें एम आई ईटिंग, आर यू रीडिंग, इज ही स्विमिंग, इज शी स्विमिंग, तो ये एग्जांपल्स हैं जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है जी? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस दैट हैव अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज किया जाता है कि ये इसमें एक्शंस का कनेक्शन होता है पास्ट और प्रेजेंट टाइम जो है इन दोनों के दरमियान में। मतलब कोई काम पहले हो चुका है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आज भी, मतलब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे भी मौजूद हैं या उसके असरात जो हैं मुरतब हो रहे हैं। तो इस टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें एक्शन और सिचुएशन का कनेक्शन हो प्रेजेंट और पास्ट के साथ। अब इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस जो, उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट है, हैज हैव यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है किसी भी आपकी बेस वर्ब की, और उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब एग्जांपल्स हैं इसमें, शी हैज लॉस्ट हर कीज, मतलब कि वो अपनी कीज जो है वो गुम कर चुकी है। अब उसका असर ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल वो अपने रूम में जा रही है या अपने घर गई है तो उसको कीज नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है। मतलब कीज उसकी पहले गुम हो चुकी हैं, और प्रेजेंट पे उसका क्या असर है कि अब वो डिस्टर्ब हो रही है, वो परेशान हो रही है कि मेरी कीज नहीं है, जिसकी वजह से वो डोर को ओपन नहीं कर सकती। दे हैव रन, वो जा चुके हैं। तो ये जो है मतलब कि कोई काम था उनके साथ जिनको मुखातिब किया जा रहा है, लेकिन वो जा चुके हैं, मतलब वो पहले जा चुके हैं और हमें थोड़ा काम था जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। इसमें हैज हैव कैसे यूज होते हैं? आई वी दे यू के साथ हैव यूज होता है और ही शी इट के साथ हैज यूज होता है। रूल नंबर वन है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट आर इनकम्प्लीट। वो तमाम इवेंट्स जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं हुए प्रेजेंट टाइम पे, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। मतलब आदिल हैज नेवर बीन टू चाइना, मतलब उसकी प्लानिंग पास्ट में है बट अभी तक इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये इसकी एग्जाम्पल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब आर लाइफ एक्सपीरियंसेस अप टू द प्रेजेंट, मतलब कि अब तक हमारी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए से यूज किया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने दी है, वी हैव मेड 1000 वीडियोज ऑन कोडेनिक्स। कोडेनिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हमने ऑलमोस्ट 1000 वीडियोज जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। तो उसके लिए क्या है जी, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने 1000 वीडियोज जो हैं वो क्रिएट करके, एडिटिंग करके अपलोड जो हैं वो कर दी हैं वीडियो कंटेंट की फॉर्म में। तो ये हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए से यूज कर रहे हैं। कोडेनिक्स, अगर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। रूल नंबर 3 है जी, ऑफन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस दैट इंडिकेट एन इंडेफिनिट टाइम फ्रेम लाइक एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, सो फॉर, ईटीसी। टाइम फ्रेम को भी यूज किया जाता है टाइम एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करने के लिए। जैसा कि यहां पे एग्जांपल्स हैं, आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, असाइनमेंट दी गई है लेकिन वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की, मतलब पास्ट में वो काम दिया गया था बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम लिख देंगे आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुके हैं। उसके बाद अब इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जो आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है उसके साथ नॉट यूज किया जाता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। He has not finished their report yet. उसने कोई रिपोर्ट तैयार करके देनी थी, उसने अभी तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। They have not run. अभी तक वो नहीं गए, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद है जी फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो पहले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट के बाद यहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रीड द नॉवल, हैव यू रीड द नॉवल, Have they run? तो ये तमाम examples जो हैं आपके present perfect tense की interrogative sentences की मौजूद हैं। अब हम discuss करेंगे present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to describe actions or situations that started in the past and have continued up to the present or were happening recently. इसमें ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके लिए यूज होता है, उस एक्शन के लिए जो
पास्ट में स्टार्ट हुआ था, या तो वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या वो अभी कंप्लीट होने वाला है, मुकम्मल होने वाला है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद बीन यूज होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो टाइम फ्रेम है जिसमें रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट होने वाला है या वो कंप्लीट हो जाएगा, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या होने वाला है, तो उसके लिए ये टाइम यूज होता है सिंस फॉर या टाइम के हवाले से। तो इसके अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है, आई हैव बीन स्टडिंग डेटा साइंस फॉर द पास्ट टू ईयर्स। अब यहां पे फॉर द पास्ट टू ईयर्स जो है ये टाइम फ्रेम को डिस्कस कर रहा है। अब यहां पे इस सेंटेंस में आई हैव बीन स्टडिंग डेटा साइंस, अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस यहां पे आ गया स्टडिंग डेटा साइंस, और फॉर द पास्ट टू ईयर्स मतलब टाइम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ है जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस का एग्जांपल है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 AM, वो 7 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पे 2 ईयर्स अगो और 7 AM, अब यहां पे 2 ईयर्स के साथ फॉर लगाया है और 7 AM के साथ सिंस लगाया है। सिंस और फॉर का यूज जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, इसको हम पहले रिजॉल्व करते हैं उसके बाद हम इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। सिंस और फॉर, इसमें हम सिंस कब यूज करते हैं और फॉर यूज कब करते हैं इसके लिए देखते हैं। सिंस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, जब आप किसी भी काम की किसी भी एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट को या उसके उस टाइम को शो करना चाहते हैं जब वो काम स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। उसके ऑपोजिट अगर चले जाएं तो यहां पे फॉर है। फॉर किस लिए यूज होता है, फॉर इज यूज टू स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। अगर आपने किसी एक्शन की ड्यूरेशन को आपने डिफाइन करना है, आपने स्पेसिफाई करना है कि ये काम जो है ये इतने टाइम में स्पेसिफिकली हुआ है कंप्लीट, तो उस ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप फॉर यूज करते हैं। लेकिन जब आपने किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट को, आपने इनिशियल पॉइंट को, इनिशियल स्टेज को आपने शो ऑफ करना है, आपने डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए आप सिंस यूज करते हैं। सिंपली सिंपल है, सिंस फॉर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉर फॉर टाइम ड्यूरेशन। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यार, एक लाइक तो बनता है ना। फिर चले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से मैंने रीडिंग स्टार्ट किया और अभी तक कर रहा हूं। शी हैड बीन प्लेइंग देयर सिंस इवनिंग, वो इवनिंग टाइम से, शाम से वो खेल रही है। फॉर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन को कैसे हम स्पेसिफिकली जो है एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से स्टडी कर रहा हूं। दे हैव बीन रनिंग फॉर 1 आवर, तो यहां पे हमने रनिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हमने स्पेसिफाई किया यहां पे 3 घंटे की ड्यूरेशन को। यहां पे मॉर्निंग से जो रीडिंग हो रही है और यहां पे इवनिंग से वो खेल रही है, ये जो है आपकी टाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का, इनिशियल स्टेज है, उसको डिस्कस कर रही है। अब यहां पे कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए यूज होते हैं। पहला है जी, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एम्फसाइज How long something has been happening and to show the impact of that action on the present. कोई काम जो है, कोई action जो है, वो कितनी देर चला है, कितनी देर वो काम हुआ है और उसका impact या effect जो है वो present time पे उस action का कैसे हुआ है, इस बात पे जोर देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन सेविंग मनी फॉर वेकेशन ऑल ईयर अलॉन्ग। उसके बाद है जी, आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन टेंसेस फॉर अ वीक। रूल नंबर 2 जो है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग रिसेंटली और एक्शन टेकिंग प्लेस लेटली। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो उन बातों को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जो रिसेंटली हैपन हो रहे हैं या वो काम जो रिसेंटली होने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन वॉचिंग मूवीज All weekend. It has been raining since morning. Rule number 3 है जी, we usually don't use present perfect continuous tense to talk about state verbs or stative verb. Stative verb कौन से होते हैं? मतलब आपकी कोई state है, कोई आपको चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो कैसी लगती है, excited लगता है आपको कुछ, तो वो तमाम states के लिए use होता है। For example, I have been hating this vegetable. या आई हेट दिस वेजिटेबल। अब स्टेट है कि आपको कोई वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती,
आप उसके लिए ये नहीं कह सकते आई हैव बीन हेटिंग दिस वेजिटेबल, ये जो है वो गलत सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आई हेट दिस वेजिटेबल। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहां पे प्लस आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, शी हैज नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो ये तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मौजूद हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हैज हैव सब्जेक्ट बीन बेस वर्ब आई एन जी और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर टाइम लगेगा और उसके साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम सिंस मंडे, हैज शी बीन हैकिंग माई पासवर्ड फॉर 3 hours। ये इसकी चंद एग्जाम्पल्स है।